तो हेलो फ्रेंड्स, ईएस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक एलईडी इंडिकेटर बना के दिखाऊंगा और जो एलईडी इंडिकेटर होगा वो 220 वोल्ट पे इसको काम करेगा, मतलब हमारा जो एसी लाइन है उसमें इसको हम चला सकते हैं। तो इजीली आप इसको घर बैठ के बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से फुल देखना, इससे आप कुछ भी सीख सकेंगे। और मेरे चैनल पे ना हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट चाहिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसके बाद हम कनेक्शन पे आएंगे। सबसे पहले हम 5mm का एक एलईडी लेंगे, मैं रेड कलर का ले आऊ, आप कोई सी भी कलर ले सकते हैं। और इसके बाद चाहिए हमें एक डायोड चाहिए, IN4007 एक डायोड चाहिए हमें, और 220 ओम का एक रेजिस्टर चाहिए। तो इसका कैसा कनेक्शन होगा मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ, इसका कनेक्शन कैसे होगा मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम के मान के चलते हैं, ये हमारा रहा एक एलईडी, एलईडी का ये रहा प्लस और ये रहा माइनस हमारा। तो एलईडी हमारा हो चुका है, एलईडी का प्लस माइनस हो चुका है, साइड में रखते अब डायोड को लगाएंगे। डायोड का जो सिल्वर वाला जो पट्टी है, ये देख सकते हैं सिल्वर वाला पट्टी, तो उसको हम रखेंगे इस प्लस के साथ में, इस प्लस के साथ में हम डायोड को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस डायोड को हमने इस पॉइंट पे लगा दिया है, मतलब प्लस पॉइंट पे लगा दिए। और हमारा जो रजिस्टर है, और रजिस्टर का जो दो पिन है रजिस्टर का, कोई भी पिन आप यूज कर सकते हैं, जिधर भी यूज कर सकते हैं, वो प्लस पे भी आप कर सकते हैं, माइनस पे भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप करना। और हमारा जो रजिस्टर है, रजिस्टर को हम जो हमारा एलईडी का माइनस वाला जो लैग था उस पे हम रजिस्टर को लगा देंगे, और इस पे हम देंगे एसी 220 वोल्ट हम देंगे। तो इसी तरीके से हम कनेक्शन करेंगे, तो हम कनेक्शन करते फिर आपको दिखाएंगे। देखिए, हमने इस तरीके से एक वायर को ले लिया है और अब हम इसको इसी लाइन में देंगे। तो इसी लाइन में देने के बाद इसको हम, तो फ्रेंड्स आप देखते हैं इसको ऑन करके, इसी लाइन में देने के बाद इस पे टच करके, और ये देखिए हम इसको लाइन दे रहे तो लाइट ग्लो हो रहा है, शायद आपको दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वायर को खोल के इसके साथ में इसको लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाएंगे। इसको के साथ में लगा दिया है और इसको अब एसी लाइन में हम देते हैं। तो देखिए बस ये लाइट ग्लो हो रहा है, मैं एक बार इस ऊपर वाला जो हमारा लाइट जल रहा है उसको बंद करके आपको दिखाऊंगा। सॉरी फ्रेंड्स, उल्टा सीधा बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जल रहा है, पूरा लाइट बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, लाइट ग्लो हो रहा है, लाइट को ऑन कर लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरीके से आप एक एलईडी इंडिकेटर बना सकते और जो 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा, इजीली आप इसको घर बैठ कर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, तो फ्रेंड्स आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो रजिस्टर और डायोड है, आपके अगर आप डायोड को नहीं लगा, मतलब आप इस डायोड को जो IN4007 जो डायोड है वो आपको नहीं मिल रहा, तो डायोड को आप यूज भी ना करके आप इसको चला सकते हैं, आप इस रजिस्टर के और एलईडी की मदद से इसको चला सकते हैं। तो मेरे पास था तो इसके लिए मैंने लगाया है, इससे हमारा जो लाइट है वो सेफ रहता है, मतलब एक क्या बताऊं, खराब होने से, जल्दी खराब होने से बचता है हमारा जो एलईडी है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से फुल देखना, इससे आप कुछ भी सीख सकेंगे। और मेरे चैनल पर आओ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद।